नमस्कार, एके इलेक्ट्रिकल HVAC में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पर हम लोग स्विच बोर्ड का कनेक्शन के बारे में जानेंगे। स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो स्विच बोर्ड जो है, एक रूम में स्विच बोर्ड में हम लोग कम से कम दो लाइट, ठीक है, एक फैन और एक सॉकेट लगाना है, ठीक है ना। तो इस स्विच बोर्ड में दो लाइट, यहाँ पर लाइट एक वन है, यहाँ पर लाइट टू है, और ये फैन है, ये हमारा सॉकेट है, ठीक है ना। और सॉकेट जो है हमारा यहाँ पर जो है सिंगल पुल के स्विच है, एक दो तीन। ये जो है रेगुलेटर है जो फैन के स्पीड का कंट्रोल करता है, फैन के स्पीड कंट्रोल के लिए रेगुलेटर लगाया जाता है, उसके लिए ये स्विच लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग वायरिंग डायग्राम कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल पर जो है 100% जो भी डायग्राम है, जो भी बताया जा रहा है, 100% राइट है, इसका गारंटी है हमारे पास, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आजमाएं हमारे इस वीडियो को। जैसा हम कनेक्शन कर रहे हैं वैसा आप अपने हाउस वायरिंग अपने घर में अपने से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा फेस और न्यूट्रल, ठीक है, सप्लाई चल रहा है, ठीक है। तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है ना। हमेशा न्यूट्रल का कनेक्शन सबसे फर्स्ट में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई चल रहा है, ठीक है, न्यूट्रल सप्लाई चला, इसी में से न्यूट्रल हम इस सॉकेट को दे देते हैं, ठीक है ना, सॉकेट को दे देते हैं। और यही न्यूट्रल जो है सीधा जो है कहाँ जाएगा, हमारे बल्ब के पास, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मैं लाइन लंबा खींच दिया हूँ, ठीक है ना, ये बल्ब के पास, ठीक है ना। चूंकि देखिए ये डायग्राम है, इसलिए हम कनेक्शन नीचे से लेके जा रहे हैं। हालांकि जो भी है बल्ब के पास से ही वायर आता है और सॉकेट में आके फिक्स होता है, चूंकि ये डायग्राम है, ठीक है ना। और ये है न्यूट्रल जो है हमारा, न्यूट्रल न्यूट्रल जो है आगे बढ़ता है, ठीक है। अब ये बल्ब में भी एक न्यूट्रल लग जाएगा, ठीक है ना, और ये फैन में भी एक न्यूट्रल लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक राइट इसका हो गया, यानी कि न्यूट्रल का कनेक्शन हमारे एक बल्ब में भी हो गया, दूसरे बल्ब में भी हो गया और फैन में भी हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब, अब सॉकेट का कनेक्शन देना है तो सॉकेट का कनेक्शन जो है हम लोग कैसे देंगे ये देखिए। न्यूट्रल का कनेक्शन तो हम लोग सॉकेट में पहले पहुंचा दिए हैं, अब हम लोग को फेस पहुंचाना है, ठीक है ना। तो अब देखिए फेस जो है हमारा ये जो है इस सॉकेट में जा रहा है, ठीक है, जो कि रेगुलेटर में भी आ रहा है ऊपर से, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या करेंगे क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग सीधा इसको सबको एक में कनेक्शन करते हैं, डाउन साइड में। हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है, हमेशा डाउन साइड में, यानी कि डाउन के टर्मिनल पर इसको फेस का वायर कनेक्ट किया जाता है। इस बात को हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखना है, ठीक है ना, हमेशा, ठीक है। अब देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे, ये जो है सॉकेट का कनेक्शन कर दिए, ठीक है। यहां से ये सॉकेट का, ये जो है ये स्विच जो है ये सॉकेट का हो गया, ठीक है ना, ये सॉकेट का स्विच हो गया, ठीक है, ये, ठीक है। अब लाइट में चलते हैं, क्योंकि लाइट में हम लोग न्यूट्रल ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अब हम लोग को सिर्फ फेस देना बाकी है, ठीक है, सिर्फ हम लोग उसमें फेस देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा फेस का वायर है, हम लेके आ रहे हैं, जिसको हाफ भी बोला जाता है, ठीक है ना, हाफ बोला जाता है। ये हमारा स्विच है, ठीक है ना, इस स्विच में हम लोग इसको दे दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से एकदम, डायग्राम जो है 100% हमारा सही है। ऐसे आप लोग अगर वायरिंग करते हैं अपने रूम में तो 100% सही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइट का कनेक्शन हम लोग दे दिए, बचा ये लाइट, ठीक है ना। इस लाइट को भी कनेक्शन हम लोग दे देंगे, इसका इसके वायर को हाफ बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आएगा और ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो लाइट हो गया। अब देखिए फैन, फैन का जो है हम
हम लोग ऑलरेडी स्विच में पावर दे दिए हैं, और स्विच से रेगुलेटर में, ठीक है, स्विच से रेगुलेटर में, इस रेगुलेटर से हम लोग उठा के इस फैन का सप्लाई दे देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सप्लाई हम लोग दे दिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा, यहाँ पर जब स्विच ऑन करेंगे तो सबसे पहले सप्लाई हमारा रेगुलेटर के पास पहुंचेगा, और रेगुलेटर जब ऑन करेंगे तब ये हमारा फैन स्पीड पकड़ेगी, यानी कि घूमेगी, चलेगी। और जैसा हम लोग को स्पीड चाहिए वैसा आप स्पीड इसमें रख सकते हैं। क्योंकि अब देखिए न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट जो है, ये न्यूट्रल चल रहा है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रल जो है सीधा जो है हमारे बल्ब में भी और फैन में भी जा रहा है, ठीक है। अब देखिए फेस का वायर चूंकि ये शॉर्ट में यहाँ पर स्विच में दे दिया हूं, और स्विच से यहाँ पर एक जो है आता है स्विच में, एक लाइट का दूसरे लाइट का, इस स्विच में यहाँ पर L1 ये लाइट टू, यानी कि लाइट वन का है, ये लाइट टू का है, ये फैन का है रेगुलेटर, और ये फैन का रेगुलेटर, ये फैन का स्विच, ठीक है। तो ऐसा जो है कहीं भी आप अपने रूम में, अपने घर में अगर आप कनेक्शन करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा चैनल नया जरूर है, लेकिन जो भी इस पर है 100% राइट है, जो भी डायग्राम इस पर बनता है। और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल नॉलेज के लिए हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट्स दीजिए, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।